ਸੁਮੇਤ ਵਰਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯੂਫੋ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੇਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਯੂਫੋ ਨਿਊਜ਼। ਆਪਕੋ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲਈ? ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੈਰ ਮੇਂ ਕਾਂਟਾ ਛੁਪ ਜਾਏ तो सी भी ना किया जाए, कोई दर्द भी ना पूछे, और मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो मेरे साथ नहीं हुआ है, वो होशियारपुर की जनता के साथ हुआ है, होशियारपुर की महिलाओं के साथ हुआ है, होशियारपुर के उस समाज के लोगों के साथ हुआ है जिनका आज तक शोषण होता ही रहा है। और अगर मैंने आवाज़ उठाई है उनकी या उनका साथ दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो मुझे बाहर कर दिया जाए? ये बहुत मुश्किल है सहना, बहुत देर सहती भी रही, नाम भी मेरा संतोष है और संतुष्टि करती भी रही, पर कितनी देर तक? कभी तो ज्वाला उनकी फूटती है ना, और वो अब वक्त आ गया है कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही शिक्षा दी थी कि संघर्ष करो, शिक्षित बनो, इकट्ठे रहो। और जब हम इकट्ठे हो रहे हैं और हुए थे, तो हमको अलग करने के लिए पूरी कोशिशें की गई, जिससे कि मेरा हक छीना गया। हाईकमान से आपकी बात हुई इस मामले में अभी तक? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हाईकमान, जिसको आप हाईकमान कहते हैं और हम भी कहते हैं, उनको क्या नहीं पता संतोष चौधरी के बारे में? आगे क्या रणनीति आपकी? रणनीति तो मेरे रणनीतिकार मेरे हक के दिल की है, और जो कुछ वो कहेंगे जैसा वो चाहेंगे, उनकी यही आवाज़ है। पहला तो उनका एक है कि हमारी जो टिकट है वो वापस की जाए, जिसका हक बनता था उसे हक दिया जाए, जिस हक के लिए इतने वर्षों से मैं इंतज़ार में बैठी थी। और क्या वजह है एक दलित औरत को आपने बाहर निकाल दिया? कितनी औरतों को आपने, दलितों को दिया? द्वाबे में ये हमारी कम्युनिटी के लोग सबसे अधिक हैं, और मैं उनके बीच में ही रहती हूँ, उनके बीच में ही जाती हूँ, उनके बीच में ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ी हूँ, लेकिन हमें ही धुतकार दिया गया। तो ऐसा नहीं अब होएगा। अगर पहली बात तो ये पहली बात कि मेरा टिकट था, मेरा हक था, और मुझे कहा गया था कि आपका अवश्य ध्यान रखा जाएगा, लेकिन क्यों नहीं रखा जा रहा? क्यों हमारा शोषण दिन प्रतिदिन किया जा रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी आपको कोई ओहदा देती है, पंजाब प्रधान का देती है, अगर कोई जगह सेट करती है, उसके बारे क्या कहना है आपका? बात यह है, मैं तो हूँ कांग्रेसी। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस को किसने बनाया है? इस पार्टी को खड़ा करने वाले कौन थे? वो हमारे जैसे लोगों के परिवार थे, जिन्होंने इस वट वृक्ष को पाला है, बड़ा किया है, कोशिश की गई कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन नहीं, इतनी शाखाएं मजबूत हैं कि हम हिले नहीं आंधी तूफान में। लेकिन अब आंधी तूफान में भी बताने की ज़रूर मैं कोशिश कर रही हूं, क्योंकि ये तो गरीबों की पार्टी थी कांग्रेस। हमने वही संस्कार लेकर हम काम करते हैं, धन दौलत हमने नहीं कमाया, माफिया नहीं हमारे परिवार में से पैदा हुए कि माफिया बनकर हम पैसे इकट्ठा करें और जाकर कुछ भी खरीद लें, ऐसा नहीं है। अभी आप और मैं जो भी पार्टी, मुझे मेरे स्टेटस के मुताबिक जो भी चाहेगी मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन ये जो अन्याय किया है, उस अन्याय के लिए अपने परिवार है मेरे वर्कर्स, मेरा हल्का, जहाँ पर 80 से लेकर हम कुछ ऐसे एरिया हैं, श्री हरगोविंदपुर, प्लाट और फगवाड़ा, जो 19 और शाम 84, चार हलके ऐसे हैं जो 1980 से हमारा परिवार इस समाज की सेवा कर रहा है। और कितने वर्ष हो गए? 38 साल हो गए, तो मैंने रखता है। मैडम, आपने हल्का जब्बे हल्के डॉक्टर राजकुमार को टिकट मिला है, अब इलेक्शन का दौर है, आप उनके साथ चलेंगे प्रचार? कैसे, जब मैं कह रही हूँ मेरा टिकट मुझे दिया जाए? प्रचार की बात तो बात की है ना,
मुझे मेरा टिकट दिया जाए, वापस दिया जाए, जो शायद गलती से या किसी वजह से उसमें दे दिया, वो तो विधायक हैं और उस विधायक का अपने ही चुनाव क्षेत्र में विरोध हो रहा है और उस विरोधता के बावजूद भी किन ऐसे कारण थे कि टिकट दे दिया गया। और यह मुझे हाईकमान अवश्य ये बताए कि ये कारण है कि आपका टिकट काटा गया। बात कहना चाहती हूँ क्योंकि नई तो आई नहीं हूँ इस पार्टी के अंदर, बहुत थर्ड जेनरेशन हमारा हो गया इस परिवार में, कि पार्टी को जब तक ही पुराने लोगों को साथ रखेंगे, उनके साथ नवयुवकों को भी लाएंगे जो ज़रूरत भी है, तो और गरीब आदमी का शोषण करने के बावजूद उनको प्यार से प्यार देंगे, इज्जत देंगे, मान सत्कार देंगे, तो तभी कहीं आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा एक आजकल ये जैसे हॉस्पिटल्स हैं वो भी एक बिजनेस है, ये नहीं है कि वो कोई सेवा का प्रारूप है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर भी अब बिजनेस हो गया है। और मैं समझ रही हूँ कि पार्टियों में भी इस तरीके से आया राम गया राम, रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई इधर आ गया चले गया, तो उनकी इज्जत है और जिन्होंने पार्टी को सुदृढ़ रखा हुआ है उन लोगों की कोई मान और सम्मान नहीं है। अवश्य फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अपने गलत फैसले को रिव्यू किया जाए और यही हमारे लोगों की आवाज़ है और ये सीट आपको जीत कर जनता देगी। कांग्रेस का हाथ मजबूत तभी होगा कि अगर आप सही फैसला लेंगे, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है। जी मैम, जब आतंकवाद था पंजाब में उस समय कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था और उस समय संतोष चौधरी खड़ी हो गई कि ठीक है मैं तैयार हूँ, और जब जीत के चली गई हिंदुस्तान की अदालत में पहली बार गई थी, लेकिन जब वक्त आया टिकट देने का तो फिर मेरी सीट अलायंस में दे दी नेक्स्ट टाइम। और मैंने यही बात कही, पड़ा जब वक्त गुलिस्तां पे, पड़ा जब वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, बाहर आने पर कह दिया तुम्हारा काम नहीं। जब ज़रूरत पड़ी, जब कोई नहीं था तो हम थे, और जब वक्त आया, जब मैंने काम किया तो मेरी सीट वो दूसरे किसी को दे दी, अलायंस में दे दी, और तीन सीटें उस समय अनुसूचित जाति के रिजर्व थी, तीनों ही दे दी कि उनकी वोट तो चाहिए है बड़े लोगों को, लेकिन सत्ता में बैठने का उनको अधिकार नहीं है। ये कुछ तो हमसे वो स्टेट जो पहले नंबर पर पंजाब कहलाती थी और जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, और फिर एक महिला होना। इंदिरा गांधी जी मुझे 29 साल की उम्र में पब्लिक सर्विस कमीशन में लेकर आई, उन्होंने महिलाओं को बाहर निकाला था, लेकिन आप तो रास्ता ही बंद कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मेरा हक जो है, मेरा हक है, मैंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, कोई स्कैम नहीं किया, मैंने तो आपका झंडा ही बुलंद किया है, इसलिए मेरा हक मुझे दिया जाए।